बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब 1 जून से बसों को चलाने का फैसला लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ साथ में जो ड्राइवर्स के कैबिन्स हैं उनको सवारियों से अलग बनाया गया है ताकि सवारियों का ड्राइवर से कोई संपर्क ना रहे। जैसा कि आप बस में देख रहे हैं नाहन डिपो में आज इस बात पर हमारे संवाददाता प्रदीप कल्याण की अड्डा प्रभारी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए पूरी रिपोर्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सभी तरह के ट्रांसपोर्ट रुके हुए हैं, अब प्रदेश सरकार ने 1 जून से इन्हें चलाने का फैसला ले लिया है। सुनते हैं अड्डा प्रभारी से। मैं बतौर अड्डा प्रभारी हिमाचल पथ परिवहन निगम नाहन क्षेत्र और जैसे कि हमारे मुख्य कार्यालय और अपने क्षेत्रीय कार्यालय से आदेश प्राप्त हुए हैं बसों के संचालन के बारे में, तो 1 जून से हमारी बसों का संचालन किया जा रहा है। और संचालन का क्या तरीका है, संचालन का तरीका है कि ऑक्यूपेंसी 60% होनी चाहिए, 47 सीटर बस है उसमें 26 यात्री बैठ पाएंगे और जो हमारी 37 सीटर बस है उसमें 23 या 24 यात्री बैठ पाएंगे ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। और हमारा जो टाइमिंग रहेगा, टाइम में हमारा थोड़ा चेंज करनी पड़ रही है कर्फ्यू टाइम में, क्योंकि हमारी जो बस है वो सिर्फ कर्फ्यू टाइम में चलेगी 7 से 7। इसमें हमने कुछ रूट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है कि वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी, जैसे नाहन से हरिपुर धार है, नाहन से कुंट है, तो वहाँ थोड़ी सा दिक्कत आएगी। अदरवाइज हमने अपना खाका तो पूरा तैयार कर लिया है और उस समय के हिसाब से हम अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे। हमारी जो है लोकल जितने भी हमारे सिरमौर रूट उसमें मैक्सिमम गाड़ी चलेगी ऑन ट्रायल, एक हफ्ते के लिए ऑन ट्रायल। और शिमला गाड़ी चलेगी हमारी, नाहन शिमला है, पौंडा शिमला है, बाकी हमारे जो नज़दीक जिले हैं वहाँ चलेगी। अदरवाइज जैसे हमीरपुर है, कांगड़ा है, वहाँ नहीं जा पाएगी जैसे कि हमारे को आदेश प्राप्त हुआ है। किराए के बारे में तो ऐसा ही, तो हम अभी तो किराया कुछ बढ़ा नहीं है, ना ही हमें कोई आदेश है, आदेश आएंगे तो बढ़ा देंगे, अभी कोई किराया बढ़ाने को हमें कोई आदेश नहीं है, हम उसी किराए पर जो है उसमें ही ले जाएंगे। उसमें यात्रियों के लिए मास्क डालना बहुत जरूरी है और बस जो है सैनिटाइज होनी चाहिए, सैनिटाइजर और परिचालक के पास अगर किसी गलती से किसी यात्री के पास नहीं होगा, चलो कोशिश करेंगे उसको मास्क होना, लेकिन यात्री की जिम्मेवारी है कि वो मास्क डाल के चले और अपने उचित दूरी बना रखे, सोशल डिस्टेंस बना के रखे। हमें यात्रियों की बहुत सहयोग की जरूरत है क्योंकि एक परिचालक उपचालक भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें यात्रियों का बहुत सहयोग है क्योंकि तभी हमें इस महामारी से बचा जा सकता है। वो जो हमारा 3 का बेंच उसमें 2 यात्री बैठेंगे और जो 2 का बेंच हमारा उसमें 1 यात्री बैठेगा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से।